अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस मुल्क को अपनी करेंसी में डिवैल्यूएशन सूट करती है और किस इकॉनमी को हरगज़ अपनी करेंसी में डिवैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए, और इस तनाजर में मार्शल लर्नर कंडीशन क्या कहता है। इन तमाम तफसीलात के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल अरिफ नकवी और आप इकॉनमी इस पॉइंट देख रहे हैं। नाजरीन, ऐसा मुल्क जिसकी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इलास्टिक हो यानी लचकदार हो, उसको अपनी करेंसी में डिवैल्यूएशन सूट करती है, क्योंकि वो अपनी करेंसी में डिवैल्यूएशन करके अपने टारगेट और अपने हदफ के मुताबिक वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है और अपनी इम्पोर्ट्स को कम कर सकता है, और यही चीज़ उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट या उसके तवाज़ुन अदायगी के लिए फेवरेबल साबित होगी। और इसी तरह वो इकॉनमी जिनकी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स लेस इलास्टिक होती हैं या कम लचकदार होती हैं, उनको हरगज़ अपनी करेंसी में डिवैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो यूजली ऐसे मुल्क होते हैं जिनकी एक्सपोर्ट्स रॉ मटेरियल पे कंसिस्ट करती हैं या फिर इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, और उनकी इंटरनेशनल मार्केट में प्लेस नहीं होती, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं होती, और उनकी एक्सपोर्ट्स सस्ती होने के बावजूद, करेंसी में डिवैल्यूएशन होने के बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में लेस सेल होती हैं, जबकि ऐसे मुल्कों की जो इम्पोर्ट्स है वो फाइनल फिनिश्ड और अच्छी क्वालिटी की होती हैं, और करेंसी डिवैल्यूएट होने के बावजूद उनकी इम्पोर्ट्स में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों चीज़ें उस मुल्क के बैलेंस ऑफ पेमेंट या तवाज़ुन अदायगी पर बुरे असरात डालता है और उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है। और इसी तनाजर में मार्शल और लर्नर ने एक कंडीशन पेश की है, वो कहते हैं कि इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स ग्रेटर देन वन, देन डिवैल्यूएशन विल बी फेवरेबल फॉर अ कंट्री। जबकि दूसरी तरफ अगर इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स और इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स का सम लेस देन वन होगा तो डिवैल्यूएशन इन करेंसी अनफेवरेबल होगी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट में ले जाएगी। जबकि तीसरी कंडीशन जो बचती है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स प्लस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स अगर इक्वल टू वन होगी तो डिवैल्यूएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट को न्यूट्रल छोड़ देगी। वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।